बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। तो डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या थी बच्चों? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। जिन बच्चों ने वो वीडियो ध्यान से देखा है, मेरे हिसाब से उन बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और फर्दर हम स्टडी करेंगे। आपका यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों आपका ये मोशन, और यहाँ पे मूविंग बॉडीज चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। तो बच्चों, मोशन क्या है आपके पास? वेन एवर वन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और नियर बाय ऑब्जेक्ट, यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो बच्चों, मोशन में जो सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास हम करेंगे आज के पर्टिकुलर लेक्चर में, वो आपके पास है स्पीड। बच्चों, स्पीड यहाँ पे आपको बताया गया है स्पीड। तो बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड क्या बताती है हमें? स्पीड हमें बताती है हाउ फास्ट वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कितनी फास्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो क्या किससे पता चलता है बच्चों हमें? उसकी स्पीड से। आपने अपने व्हीकल्स के अंदर स्पीडोमीटर देखा है बच्चों? स्पीडोमीटर देखा है? तो स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है जब आप नेशनल हाईवे पे आते हो? तो एकदम से आपकी स्पीड जो राइज करती है 60, 80, 100, 120, 140। ठीक है, तो जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट स्पीड को मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीडोमीटर। तो स्पीड क्या आपके पास? हाउ फास्ट वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास हमारे पास बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है इसकी टाइप्स में, और सेकंड आपकी टाइप क्या हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे समझोगे आप? व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम ये मान लेते हैं ये आपका पर्टिकुलर चार्ट है। ठीक है, ये आपके पास स्पीड, ये आपके पास टाइम। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना बच्चों आपके पास? 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में कितनी है बच्चों? फर्दर, ठीक है, कितनी है आपके पास? 40 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अगले उसमें कितनी है बच्चों? फिर 2 मीटर फर्दर उसमें कितनी है बच्चों आपके पास टाइम में? 2 सेकेंड। 60, तो राइज कैसे कर रहे हैं बच्चों? 20 से 40, 40 से 60। और टाइम इंटरवल कितना है? 2, 2, 2, 2। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2, 4, 6। ठीक है, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ग्राफ कैसे आएगा आपके पास? ये आपके पास आ गया स्पीड, और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? टाइम। तो ग्राफ के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बच्चों, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लो। जब भी आप कोई ग्राफ बनाओगे तो ये दिमाग के अंदर आप बिल्कुल बिठा लो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम प्लॉट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट है। आपकी स्पीड तो हम कार से बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम तो नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे? टाइम। इसलिए हमने टाइम को कहाँ पे प्लॉट किया? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट किया? स्पीड को। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लेंगे, 20, 40, 60, यहाँ पे 2, 4, 6। तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड जो है वो आपकी चेंज हुई है। ठीक है, इक्वल इंटरवल में आपके पास
इक्वल स्पीड जो है वो चेंज हुई है। तो नेक्स्ट आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपके पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जब अनइक्वल, जब आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये इतना ही आप दिमाग में बिठा सकते हो कि अब आपकी स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड है और अनइक्वल आपके पास वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब बच्चों स्पीड जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई में टाइम। स्पीड कितना है बच्चों आपके पास? डिस्टेंस वाई में टाइम। अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प लेते हैं, उनकी डायरेक्शन आपकी नहीं होती। उसके बाद आपके पास है कि स्पीड की यूनिट। तो बच्चों स्पीड की यूनिट मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिखोगे। तो स्पीड की यूनिट आपके पास, स्पीड की पहले डेफिनेशन लिखोगे आप डिस्टेंस बाय में टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हो? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो आपके पास कितनी होगी? मीटर सेकंड, ऊपर जाएगा कितना जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट आपके पास वो आपके पास कितनी है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म स्पीड चेक कर ली, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेक कर ली, और अब हम आएंगे बच्चों एवरेज स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे बच्चों? हम एवरेज स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहले बात हमारे पास है कि हमें एवरेज को समझना है बच्चों। बच्चों आपकी जो गाड़ी है जब रोड पे रन करती है तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी की कितनी एवरेज है, एक लीटर में ये कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो बच्चों अब आप जब टोटल दूरी तय करोगे, टोटल दूरी आप तय करोगे तो आपको ये पता होगा कि हमारी गाड़ी कितनी दूरी तक जा सकती है, क्योंकि आपको गाड़ी की एवरेज पता है और आपको ये भी पता है कि आपने गाड़ी के अंदर कितना तेल जो है वो डलवा रखा है। तो यहाँ पे हम एवरेज की बात करेंगे बच्चों। तो एवरेज को हम सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो बच्चों उसको हम बिल्कुल तसल्ली से डिस्क्राइब करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन जो है वो आपके पास क्या होती है? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया बच्चों? ओरिजिन, ओरिजिन जो स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम ये बोलते हैं कि टी वन टाइम में आपकी जो गाड़ी है उसने एस वन दूरी तय करी और कहाँ पे पहुँच गई? ए पॉइंट पे। तो बच्चों ओ से लेकर ए तक एस वन दूरी तय करी और टाइम कितना लिया? टी वन। ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए एंड इट कवर्स डिस्टेंस एस वन इन टी वन टाइम। नेक्स्ट योर इंटरवल ए टू बी एंड योर टाइम इज टी टू एंड योर डिस्टेंस इज एस टू, योर डिस्टेंस इज एस टू। सिमिलरली फ्रॉम बी टू सी, ओके टी थ्री टाइम टेकन एंड एस थ्री इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेट टोटल डिस्टेंस बी एस, लेट टोटल डिस्टेंस बी एस एंड एस मे बी टेकन एस समेशन ऑफ एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। तो बच्चों यहाँ पे हम सिंपल बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एवरेज स्पीड की। तो बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। ओके, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अब बच्चों हम थोड़ी सी और इसमें चेंज लाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो S1 दूरी है वो B1 स्पीड से ऑब्जेक्ट में कवर करी है। कितनी स्पीड से कवर करी है बच्चों? B1 स्पीड से। यहाँ पे जो S1 दूरी है उसको जब ऑब्जेक्ट ने, आपकी गाड़ी ने ट्रेवल करा तो कितनी स्पीड से करा? B1 से। और यहाँ पे नेक्स्ट B2 से, नेक्स्ट B3 से। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, ये O से लेकर A तक गाड़ी की स्पीड B1,
ए से लेकर बी तक गाड़ी की स्पीड बी टू, बी से लेकर गाड़ी की स्पीड कितनी बच्चों बी थ्री। तो बच्चों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड करे हुए आप एग्जाम में रट्टा लगा के मार्क्स तो ले लोगे, लेकिन आपको जब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी एनटीएससी में, जब आप टेंथ में फेस करोगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आपको पता लगेगा कि यस हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं हो पाए हैं या नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो बच्चों कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनटीएससी के लेवल का ही हम पढ़ाएं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा, आप देखो चेंज हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम प्लस एस टू कितना हो गया बच्चों बी टू इंटू टी टू प्लस एस थ्री कितना हो गया बी थ्री इंटू टी थ्री और टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, दिस इज इक्वल टू वी एवरेज। नेक्स्ट बच्चों इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करेंगे, लेट T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन था वो T मान लिया हमने, यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T, तो हमारे पास क्या आ जाएगा B एवरेज इज इक्वल टू B1 इंटू T प्लस B2 इंटू T प्लस B3 इंटू T डिवाइडेड बाय हाउ मच बच्चो T प्लस T प्लस T। तो बच्चो यहाँ से B1 प्लस B2 प्लस B3 T कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 3T, T से T कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया V एवरेज। तो एवरेज आपके पास कैसे निकालनी है बच्चों आपने, एवरेज इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाय 3।